हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंगर फैमिली ब्लॉग में। और आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है आयत की मस्ती से। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति में ना बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, यानी कि लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं। तो वह बस यही तैयारी कर रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चावल का लड्डू। और चावल का लड्डू ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में वैसे सभी को पसंद है। तो बस बना रही हूँ मैं। और आटा मैंने भून लिया है और आटे में मिला दिया है खोया। खोए से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मिलाए हैं मैंने। ड्राई फ्रूट्स में गोंद और गरी है, मूंगफली के दाने हैं, यही सारी चीज़ें मिलाई हैं मैंने। और एक साइड में रख दिया था मैंने चाशनी होने के लिए, तो चाशनी अभी मेरी हो गई है। तो मिला देंगे आटे में इसको, चावल के आटे में, फिर इसका बनाएंगे लड्डू। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताइएगा आप सबके यहाँ पर किस तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है और क्या क्या बनाया जाता है आप लोगों के यहाँ पे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मकर संक्रांति के पर्व पे हमारे यहाँ पे ना गंगा स्नान ज़रूर किया जाता है। और हम जहाँ पे निवास कर रहे हैं इस समय, तो गंगा के किनारे ही है, तो कोशिश करेंगे, वैसे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बच्चों को नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम लोग तो नहाएंगे। और अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो भी शूट करके आप सबको दिखाऊंगी। और ये देखिए, बातें करते करते हमारे आटा जो है, आटे में मैंने ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं। और ये गोंद है, इसको मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये वाली क्लिप ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है मुझसे। और इसके बाद में अब बनाएंगे हम लड्डू। और लड्डू ना इसके अगर ऐसे खुले में रख देंगे तो फिर ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं। ये देखिए, लड्डू मेरा बन करके तैयार है, देखने में कितना यम्मी यम्मी सा लग रहा है ना। तो आ जाइए आप लोग भी आकर के खा लीजिए। और ये देखिए कितना सारा मैंने बना लिया है, 2 किलो चावल का आटा था ये। और ये अब एक डब्बे में मैं नीचे पेपर डाल के और बस इसी में सारा भर के रख दूंगी, जिससे कि ये सूखे ना, नहीं तो फिर सूख जाते हैं ना, तो फिर टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें भर के रख दूंगी। और बस आराम से ये चल जाएंगे, जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं, ठंड का सीज़न है तो वैसे भी नहीं ख़राब होंगे। और ये 15 दिन 20 दिन तक आराम से चल जाएगा, इससे पहले बिल्कुल नहीं ख़राब होगा ये। और ये देखिए अब इसको रख देते हैं। और इसके बाद में और भी कुछ बनाना है, जैसे तिल का लड्डू, वो तो बहुत खास होता है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे तिल का लड्डू। तो इसके लिए ये देखिए, गांव से जो तिल आया था ना, ये वही वाला है। और इसको मैंने भून लिया है और भून के इसमें रख दिया है इसको। और इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। और तिल के लड्डू में ना गुड़ की चाशनी की आवश्यकता होती है, तो गुड़ की चाशनी हमारी बन रही है गैस पे, मैंने वो भी रख दिया है। और इसको ना तुरंत तुरंत भून के ही बनाया जाता है, नहीं तो फिर ये ठंडा हो जाएगा तिल, तो जल्दी से बनता नहीं है ये। तो बस मैंने पहले तिल भून के रख लिया है, इसके बाद में इसकी चाशनी बना लूँगी। और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं पड़ता है इसमें, बस सिंपल सा गुड़ की चाशनी और तिल, बस दोनों मिला के बनाएंगे। लेकिन इसका भी लड्डू ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरे दो ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं मकर संक्रांति में, मैं दो चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ, जैसे तिल का लड्डू और चावल का लड्डू। और एक साइड में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, साथ ही साथ खाना भी बनाते जाएंगे, नहीं तो फिर खाना हो जाता है लेट। और ये देखिए मेरी दाल भी बन गई है और चावल भी बन गया है, दूध भी गर्म हो गया है, बस सब्जी और रोटी रह गई है। तो पहले लड्डू बनाएंगे और इसके बाद में बनाएंगे। और ये है गाजर का हलवा। और इस हलवे में ना मैंने खोया बहुत ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन गलती एक हो गई है कि मैंने गरम में ही डाल दिया, तो वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी बना हुआ था गाजर का हलवा। और इसके बाद चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बन गई है या नहीं। तो चेक करने के लिए पानी में इसको थोड़ा सा डाल के देखेंगे, और अगर ये कम्पट जैसा बन जाएगा तो समझो चाशनी हमारी तैयार है। अगर नहीं बनेगा तो फिर थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसका बनाएंगे लड्डू।
अच्छे से बन गया कंफर्ट जैसा, इससे ये लड्डू बन जाएगा। तो चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई है और मैंने इसको तिल में मिला लिया है। और मिलाने के बाद अब बहुत जल्दी जल्दी से इसका लड्डू बनाएंगे, नहीं तो फिर ये ठंडा हो जाता है ना तो फैलने लगता है, फिर लड्डू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हल्का हल्का सा हाथ में घी लगा के और बस इसको गोल करते जाएंगे, बन जाता है वैसे, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जल्दी जल्दी से बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और मिलते हैं फिर एक और अच्छे से वीडियो ब्लॉग के।